दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग भी फोन पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप फोन पे पे अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस शानदार सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जब आप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे सबसे नीचे की साइड में आप देख पाएंगे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम, स्टोर, इंश्योरेंस, माय मनी और हिस्ट्री लिखा हुआ है। सिंपल आपको हिस्ट्री पे क्लिक करना होता है। जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपको कुछ सेकंड वेट करना होता है। अब यहाँ आप देख पाएंगे जो भी आपने लेन देन करा है तो ये पूरा यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। तो यहाँ आप देख पाएंगे ये रिसीव लिखा है तो ये पैसे आए हुए हैं, यहाँ लिखा है पेड टू उसका नाम लिखा हुआ है तो मतलब आपने ये पैसे दिए हैं। जहाँ पेड लिखा है उसका मतलब आपने ये पैसे कहीं ना कहीं किसी को दिए हुए हैं, और जहाँ रिसीव लिखा हुआ है वो मतलब पैसे आए हुए हैं। और नीचे आप देख पाएंगे सब लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं जो कि आपके मोबाइल में सेव होंगे। इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने फोन पे में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर फिल्टर करना चाहें तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जहाँ चाहें कैटेगरी तो कैटेगरी भी आप है ना इसमें जैसे कि मान लो आपको भैया रिसीव मनी देखना है या सेंड मनी देखना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कितनी बार सेंड करा है उस पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से वो आपको दोस्तों क्या होगा जो आपने सेंड करें हैं पेड करें हैं सिर्फ वही पैसे आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से अगर देखेंगे मंथ लिखा हुआ, अगर मंथ पर क्लिक करेंगे तो आप मंथ पर भी क्लिक करके अपना कोई भी मंथ सेलेक्ट करके उस मंथ की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपसे हर जगह निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।